गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर टू कर रहे थे। चैप्टर टू आपका है अडेप्टेशंस इन प्लांट। इसमें मैंने आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट स्टार्ट करवाया था और प्लांट इन माउंटेन्स और हिली एरियाज बताया था और प्लांट्स इन प्लेन्स बताया था। आज हम करेंगे प्लांट्स इन डेजर्ट्स से स्टार्ट, ठीक है। तो प्लांट्स इन डेजर्ट्स, डेजर्ट एरियाज आर वेरी हॉट एंड हैव वेरी लिटिल रेन। प्लांट विच need very little water can only survive here. Most desert plant have very few leaves or they do not have any leaves. तो plants in desert means रेगिस्तान इलाकों में उगने वाले पौधे के बारे में यहाँ बात करना है। Desert area में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, और वहाँ पर बारिश भी कम होती है, इसलिए जिन plant को बढ़ने में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है वही plant वहाँ पे उग सकते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट में आगे देखते हैं क्या है। इन मेनी प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स और थॉर्न्स विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल। दीज प्लांट स्टोर वाटर इन देयर स्टेम ड्यू टू विच दे बिकम फ्लेशी। एग्जाम्पल्स कैक्टस एंड डेट पाम। तो देखो डेजर्ट के प्लांट में ना पत्ते बहुत कम होते हैं, ठीक है। बहुत से प्लांट में पत्तों को कांटे में बदल दिया जाता है जो पानी की नुकसान को रोकते हैं और प्लांट को जानवरों से भी बचाते हैं। ये प्लांट जो है अपने स्टेम में पानी जमा करके रखते हैं जिसके वजह से ये फ्लेशी हो रहते हैं, ठीक है। आपके एग्जांपल क्या क्या हैं? कैक्टस और डेट, ये दोनों जो प्लांट है ये आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपको प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। दलदली क्षेत्र में किस तरह के पौधे होते हैं उसके बारे में जानना है। सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड क्लेई इन मार्शी एरियाज। द लैंड इज कवर्ड विद वाटर। द ट्री विच ग्रो हेयर आर अनेबल टू गेट एयर फ्रॉम द सॉइल। सो द रूट ऑफ द ट्रीज कम आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर टू ब्रेथ। दीज रूट आर कॉल्ड ब्रेथिंग रूट्स। दीज रूट ऑल्सो होल्ड द ट्री अबव वाटर लाइक स्लिट्स। एग्जाम्पल मैन ग्रोव्स। तो देखो दलदली क्षेत्र में मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है, ठीक है। जमीन पानी से भरा होता है, जो भी प्लांट्स यहाँ बढ़ते हैं ना उन्हें मिट्टी से हवा नहीं मिल पाती, इसलिए उनके जड़ मिट्टी और पानी से बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। इनके जड़े ट्री को लट्ठा की तरह पकड़ के रखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? मैनग्रोव ट्री आपको कहाँ देखने मिलेंगे? दलदली क्षेत्रों में देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में होने वाले प्लांट। पानी में होने वाले प्लांट के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका फ्लोटिंग, सेकंड है फिक्स्ड और थर्ड है अंडर वाटर प्लांट। तो प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। जो प्लांट पानी में उगते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट कहेंगे। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट। ये बेसिकली मैंने कहा आपको तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्लोटिंग प्लांट होते हैं जो पानी में तैरते हैं, फिक्स्ड प्लांट होते हैं जिसके जड़े तो पानी के अंदर होते हैं और फूल और पत्ते पानी में तैरते रहते हैं। थर्ड है आपका अंडर वाटर प्लांट, ये यूजुअली पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं इन्हें। सबसे पहले फ्लोटिंग प्लांट। Stem of these plant are light and spongy and filled with hair. These plant float on water. Example, water hyacinth and duckweed. तो इन पौधों के स्टेम हल्के स्पॉन्जी और हवा से भरे होते हैं, ये पौधे पानी में तैरते हैं। Example आपके कौन कौन से है, क्या क्या देखने को मिला होगा आपको? आपको मिला होगा hyacinth और duckweed, ठीक है, ये दोनों आप तालाब में देख सकते हो। चलिए फिक्स्ड प्लांट में आते हैं। रूट ऑफ दिस प्लांट आर फिक्स्ड टू द मडी बॉटम ऑफ द पॉन्ड। दिस प्लांट हैव थिन लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम विथ एयर स्पेस इन देम। लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर ब्रॉड एंड फ्लैट विथ अ वैक्स कोटिंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रॉटिंग। द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली।
हाउस प्लांट की बात करें तो इन पौधे की जड़ें तालाब के गंदे एकदम जमीन में रहते हैं, ठीक है। ये सारे प्लांट में पतले, लंबे और खोखले स्टेम होते हैं। खोखले मीन्स ऊपर से तो दिख रहा है पर अंदर से खाली रहता है वो, ठीक है, जिसमें हवा भरा होता है। इनके लीव्स चौड़े और फ्लैट होते हैं और इस पर एक परत लगी रहती है जिससे कि पत्ते गलते नहीं हैं। लीव्स और फ्लावर जो है वो पानी में तैरते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लोटस और वाटर लिली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंडर वाटर प्लांट्स, पानी के अंदर के पौधे। दीज प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर सरफेस। लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट आर थिन, नैरो एंड फ्लेक्सिबल। दे मूव विद द करेंट ऑफ वाटर। दे हैव नो स्टोमेटा इन देयर लीव्स। दीज प्लांट ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड टेप ग्रास। तो देखो ये जो पौधे होते हैं ये पानी की लेयर के नीचे उगते हैं, ठीक है, पानी के अंदर। इन पौधों के स्टेम पतले और लचीले होते हैं, मतलब घुमावदार होते हैं, ठीक है। ये पानी के लहर के साथ बहते हैं, जिधर जिधर पानी जाएगा उधर ही ये बहेगा। इनके लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है और जिन लीव्स में स्टोमेटा नहीं होंगे वो प्लांट ब्रेथ कैसे करेंगे, है ना। तो ये प्लांट अपने बॉडी के थ्रू ही सांस ले लेते हैं और इसके एग्जाम्पल्स है हाइड्रिला और टेप ग्रास। एक बात और आपको जानना है कि जो लोटस प्लांट है उसके स्टेम को पकाकर खाया जाता है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, आप देख लो, द स्टेम ऑफ द लोटस प्लांट इज कुक्ड एंड ईटन, उन्हें पकाकर खाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके थे आज के एक्वेटिक प्लांट्स के क्लास। नेक्स्ट में हम अनयूजुअल प्लांट करेंगे। और आप ये वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो प्लीज कमेंट में अपना नाम लिखकर मुझे बताओ। थैंक यू।